मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि आज चूंकि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएंगे। सर, लंबा समय क्यों लगा सर? काफी लंबे तो समय से इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ मंथन किया जा रहा था, क्या कोई आपसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये थी कि अनबन चल रही है? नहीं, किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है, क्योंकि चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उसी हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए, तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्टलिस्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 23 सीटें जो बची हैं उसका भी 1-2 दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65-65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से वहां एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, इलेक्शन इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहां तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे, लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे, गृहमंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं का मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था, उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है।